हमीरपुर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की थाने से चंद कदम की दूरी पर लाश मिलने के बाद हमीरपुर मुख्यालय पर परिजनों और पड़ोसियों ने जमकर उपद्रव काटा। परिजनों ने पैसे की खातिर हत्या किए जाने का आरोप पुलिस पर लगाया, जबकि पुलिस महकमे के आलाधिकारी मामले की जांच करवाने की बात कहते हुए नजर आए। सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें हमीरपुर मुख्यालय की है। यहाँ चांद खान नाम के चौकीदार का शव लेकर उसके परिजन और पड़ोसियों ने जमकर हंगामा काटा। चांद खान हमीरपुर में ही मोरकंदर गांव का रहने वाला है, जो कल ही जमीन बेचकर अपनी ड्यूटी के लिए लालपुरा थाने आया था। उसके बाद घर नहीं लौटा। जब परिजनों ने चांद खान की तलाश की तो उसकी लाश लालपुरा थाने के पास पड़ी मिली। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में सिर्फ 27 रुपए ही बरामद हुए। इसके बाद परिजनों का आरोप है कि रुपए के चक्कर में चौकीदार की हत्या कर दी गई है। चौकीदार की लाश लेकर सड़क पर हंगामे की सूचना पर पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी लाभलस्तर के साथ सड़क पर दिखाई दिए, जिनकी परिजनों के साथ खासी झड़प भी हुई। चौकीदार की हत्या क्यों और कैसे हुई इस पर पुलिस कुछ भी बोलने से कतराती हुई ही नजर आई और मामले की जांच बोलकर मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। क्या नाम है चाचा आप? मेरा नत्थू नाम है। नत्थू, ये घटना कैसी घटी? ये एसओ साहब ने मतलब जो है बुलवाया था थाने, तो ये यहाँ से 4 बजे गया है मोटरसाइकिल से। अच्छा, परसों के दिन। अच्छा, तो ड्यूटी पे गए थे? ड्यूटी पे गया था ये। अच्छा, ड्यूटी पे ही था। तो ये कैसी जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी मतलब इस तरह से मिली है कि इसकी लाश मतलब जो है पुलिस वाले लाद रहे थे हमीरपुर के लिए। अच्छा, मतलब घर वालों को कोई पता नहीं था। अच्छा, तो वहाँ से मतलब कोई पत्रकार निकला है। अच्छा, उसने पूछताछ की है। अच्छा, तो देख लिया, हाँ देख लिया है उसे। तो मतलब हम लोग हम लोगों को फोन करा, उन्होंने फोन करके बताया, तब हम लोग पहुँचे हैं। जब तक हम पहुँचे हैं, जब तक लाश हमीरपुर जा चुकी थी। अच्छा, तो ये घटना हुई है कहाँ हुई है? ये थाने के थाने में ही हुई है। थाने में हुई है जी। और ये कैसे मतलब मारा गया है या कैसा क्या है? अभी तेजाब, इसके तेजाब मतलब जो है डाला गया है। और कपड़े उतार के मारा गया है। कपड़े उतार के मारा गया है और तेजाब डाला गया है। इसके बाद फिर मरने के बाद जो है कपड़े पहनाए गए हैं। अच्छा, तो चौकीदार के आप कौन है? चौकीदार का मैं जो है चचेरा भाई हूँ। अच्छा, निशांत ठाकुर एक चौकीदार है महालमपुरा के, उनका देहांत हो गया था। परिजन कुछ आरोप भी लगा रहे हैं और अस्पताल को दाखिल कराया गया था। इनका देहांत हो चुका है, उसी क्रम में ये बॉडी लेकर बाहर आ गए थे। इनको पंजाब जाकर कुछ महसूस भेजा जा रहा है, जो भी आवश्यक कार्रवाई है। रोड जाम क्यों किया है? अभी का आरोप था कि इनके साथ मारपीट की गई है। देखते हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी और कार्रवाई होगी।